स्पीकर साहब, ये जो पॉलिसी के बात की है 2009 की पॉलिसी है रिगार्डिंग दिस कि इंटरमीडिएट के जो जितने भी वो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स के हवाले किए जाएं, क्योंकि हमारे कॉलेजेस लगभग कोई 300 कॉलेजेस हैं, तो वो इतना आसान नहीं है। मुंह से कहना आसान है, लेकिन ये कि उसको शिफ्ट करना हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, जहाँ पे वहाँ पे भी इतने हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बीएस प्रोग्राम है उसके लिए हमने कोई तकरीबन 1900 पोस्टें अभी इसी असेंबली ने सेंक्शन की हैं, वो हमने अप्रूव कर लिए हैं, उस पर प्रोसेस शुरू है। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा हमारे लिए कि हम हर कॉलेज में बीएस प्रोग्राम शुरू कर सकें, क्योंकि उसका फ़ायदा भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी की जो है वो इंस्टीट्यूशंस हों, जिसमें ये बीएस प्रोग्राम, क्योंकि सिर्फ ये बीएस प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए हमें लैब्स भी चाहिए और उसके साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो वो हमारे पास इस वक्त हमारे पास ये कोई मतलब पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि अगर हम इस तरह सारे बीएस कॉलेजेस में सारे सब कुछ सारे कोर्सेज शुरू कर दें, तो फिर यूनिवर्सिटियों का क्या होगा? यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी जो है बड़ी मुश्किल में है, वो उनको जो फीस आ रही है वो भी फिर आना बंद हो जाएगी। तो ये है कि इसका हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, और साथ साथ हमें क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा बीएस प्रोग्राम में, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्वांटिटी पे मतलब ज़्यादा काम किया है, अभी हम जा रहे हैं क्वालिटी की तरफ। तो उसके लिए हमें स्टाफ भी पूरा करना है और साथ साथ उनके जो यूनिवर्सिटीज़ की जो कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स होगी, बाकी चीज़ें वो भी पूरी करनी है। तो जो इनकी डिमांड है वो सब पूरी नहीं हो सकती है। थैंक यू।